नमस्कार दर्शक, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य समाचारों की ओर। प्रयागराज के थाना झोसी क्षेत्र के अंतर्गत एटीएम मशीन तोड़कर अंतरराज्यीय गैंग द्वारा लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। प्रयागराज जनपद के ही थाना बारिया क्षेत्र के अंतर्गत दुर्घटना में हुई मौत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा दिया गया वक्तव्य। प्रयागराज जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी होली पर्व एवं शबे रात के मद्देनजर की गई अपील। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रयागराज जनपद के थाना झोसी व एसओजी गंगापार की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम मशीन को तोड़कर रुपए निकालने एवं एटीएम कार्ड बदलकर रुपए चोरी करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार कर अवैध असलाह, घटना में प्रयुक्त चोरी करने के उपकरण, एक चार पहिया वाहन तथा 1,10,500 रुपए के साथ बरामद कर लिया गया। जनपद की एसओजी टीम ने ये कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा हुआ है। एक भदोही का रहने वाला है, 2 प्रयागराज के रहने वाले हैं। एक लड़का उनमें से सैमसंग कंपनी में पहले काम कर चुका है, इसलिए उसे कुछ टेक्निकल जानकारियां भी हैं। तो ये तीनों लोग अपना निकल के और देखते थे कि ऐसे एटीएम जहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा हुआ है, उन एटीएम पे जाते थे और उसका जो डिस्पेंसर मशीन उसकी है जहां से पैसे निकलते हैं, उसको तोड़ के पेचकस से और उसमें वो पत्ती फंसा देते, जो मुड़ी हुई पत्ती। तो जब भी कोई और बाहर उसके बाहर अपना निगरानी करने लगते, जब भी कोई क्लाइंट आता अपना पूरा प्रोसेस पूरा करता और उसके बाद पता चला कि पैसे कट भी गए उसके, लेकिन पैसे बाहर नहीं निकलते, तो कुछ वेट करने के बाद लोग चले जाते, उसके बाद ये जाके वो पैसे अपना निकाल के फिर वैसे मशीन फिट कर देते। तो इस तरीके से वहाँ घंटों रुक के और हजारों हजारों रुपये इन्होंने निकाले हैं। ये एक इंटर स्टेट गैंग है, इसमें इन्होंने यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक इन्होंने कार्रवाई की है, एक सर्किल क्राइम किया है। कितनी बरामदगी इनके कब्जे से हुई है? 1,10,500 रुपए हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसके अलावा वो पेचकस और जो मड़े हुए पत्ती बरामद किए गए हैं जो उसमें फंसाते थे। कितने सालों से ये गिरोह सक्रिय है? और कुछ वेपन्स भी हैं और एक गाड़ी है जिसे लोग मूवमेंट करते थे। पिछले 4-5 साल से लोग एक्टिव थे। कितनी आय का अनुमानित अगर मानी जाए तो कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? आपराधिक इतिहास भी इनका सामने आया है, आगे किस तरीके से आप लोग एक्शन लेंगे? अभी तो इनके खिलाफ 6-7 मुकदमों का इतिहास निकला हुआ है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने 379-411 में मुकदमा लिखा हुआ है और हम इनके खिलाफ आज दिनांक 12 मार्च 2022 को ही प्रयागराज जनपद के थाना बारिया क्षेत्र के अंतर्गत सतीश चौहान पुत्र बाबूराम निवासी निवदा थाना बारिया जनपद प्रयागराज की दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा दी गई बाइट। यह प्रकरण थाना बारिया क्षेत्र जिला प्रयागराज का है। इसमें बाबूराम नामक एक व्यक्ति के द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसके पुत्र सतीश, जो कि मुबारकपुर कस्बे से अपने गांव नेवादा लौट रहे थे, सामने से एक वाहन आ रहा था, उससे बचने के फिराक में वो अपनी बाइक से स्वतः ही गिर गए। उनके सिर पर चोट आई, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, उसके बाद दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इसमें किसी का दोष नहीं है, इस तरह की तहरीर थाने पर दिया जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लेकिन इसी दरमियान कुछ लोगों के द्वारा यह बात कही गई कि एक्सीडेंट या स्वतः गिरने से नहीं बल्कि कुछ लोगों के द्वारा पिटाई करने से इस युवक की मृत्यु हुई है। दो विरोधाभासी तथ्य सामने आने पर निष्पक्षता के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा मृतक सतीश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि कोई दोषी होगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी कहना है कि किसी पुलिसकर्मी का दोष है या किसी अन्य व्यक्ति का दोष है या कोई अन्य व्यक्ति इस मामले को अनर्गल रूप से तूल देकर समाज में शत्रुता फैलाना चाहता है, तो इन सब तथ्यों की भी जाँच करके कठोर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? बाबूराम। गाँव? नेवादा। थाना? बारिया। प्रयागराज? प्रयागराज। आपके लड़का कोई है? हाँ है। क्या नाम? सतीश। सतीश जी। कितनी उम्र? अरे उसका हो 22 साल। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कैसे? वो जा रहा था बाजार, भेजे सौदा के लेने जा रहा था बाजार में, वहीं पर वो गिर पड़ा।
धक्का मतलब कोई धक्का उक्का नहीं लगा, अपने सो गिर पड़ा। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया मतलब फट उठ गया सर थोड़ा हल्का फुल्का, उसको ले गया डॉक्टर जी, भाई सफलता नहीं मिली हमको। अच्छा, और वो मोटरसाइकिल आपकी है? मोटरसाइकिल दूसरे की थी सर। अच्छा अच्छा, चलाना बढ़िया से जानता था? चलाना बहुत दिन से जान चलाता था, होगा चलाता बात नहीं था। हाँ, नहीं तो कैसे गिर गया अचानक? अब क्या अचानक, क्या परमात्मा क्या बात है, कैसे किसी ने कोई घटना तो नहीं? नहीं घटना नहीं सर, कोई घटना नहीं। अच्छा ठीक ठीक। प्रयागराज जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी होली पर्व व सभी रात के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय संभ्रांत व्यक्तियों एवं अन्य सामाजिक लोगों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग कर सभी से आगामी त्योहार को शांतिपूर्वक और सकुशल तरीके से मनाने की गई अपील। यह चैलेंजिंग त्योहार है और हमने सुना है कि यहाँ 3 दिनों तक ये त्योहार चलता है, विभिन्न रूपों में चलता है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद ही किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कभी दर्ज हुआ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बहुत ही शरीफ, बहुत ही जहीन, भाईचारे के प्रेमी सब लोग बैठे हैं, लेकिन जो गड़बड़ी फैलाते हैं वो यहाँ नहीं। हम चाहेंगे कि ये संदेश जिन लोगों ने यहाँ पे दिया वो संदेश नीचे पहुंचे। और इसके लिए एक बार फिर से हमने धर्म गुरुओं की बैठक रखी है कल, वो हम अलग से उसको टेकअप करेंगे, लेकिन यहां से भी एक अच्छा मैसेज नीचे तक जाए। क्योंकि अभी आपने तो बता दिया कि फाल्गुन का महीना और शाबान का महीना, लेकिन अभी नए लड़कों से पूछो नहीं बता पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता। एक जगह तो मैंने 5,000 रुपए का इनाम रख दिया कि चलिए इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने बताइए। एक से कहा कि नहीं हिंदू कैलेंडर के 12 महीने बताओ बेटा। 5,000 का इनाम रखने के बाद भी नए लड़के नहीं बता पाए। यानी कि हम ज्यादा नहीं जानते हैं, कोई भ्रम फैला दिया, अफवाह फैला दिया, दौड़ लिए, अपना कान नहीं देखते हैं, कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का लबुलवाब है, अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, अफवाहों की सूचना जरूर दे दीजिए, अफवाहों में अपने आप को बर्बाद न करिए, अपने समाज को बर्बाद न करिए। आप जहां पे हैं वो इलाके का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए कि यहाँ होली के या शबे बारात के दौरान एक घटना हुई। आपके जिले का नाम बर्बाद नहीं होना चाहिए, बदनाम नहीं होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे अभी एक परचम लहरा रहा है कि प्रयागराज में चुनाव बहुत सफल संपन्न हुए, शांतिपूर्ण, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, वो आपका भी नाम हो रहा है कि प्रयागराजवासी कितने अच्छे। हम तो 4 महीने 6 महीने के लिए आते जाते रहेंगे, आप यहीं रहोगे, पूरी मेहनत कीजिए, शिद्दत के साथ, भाईचारे के साथ मेहनत करिए। ये आने वाला त्यौहार चाहे वो शबे बारात हो या होलिका दहन होली का त्यौहार हो, बहुत गुजिया की मिठास के साथ, बहुत प्यार से सक्षम संपन्न हो। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ड्यूटी लगाने में, पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, दल का हो, बल का हो, संगठन का हो। आपको एक पैमाना मिलेगा, एक तराजू मिलेगा।